हवा भी देखें जी, एकदम से तेज हो गई है। ये देखें, ये रहा जी सामने, ये बताओ। दिखाइएगा चांद भी। इस जो है जी धागे की वो बात कर रहे थे। आपके साथ हो रहा है, सर बड़ा दर्द होना शुरू हो गया इसके नीचे आ जी गया। हाँ, इसके नीचे आके जो है ना, जो अजीब सी कैफियत हो रही है। ये हवा की वजह से कोई आवाज आ रही है क्या? है जैसे गूंज सी हो। अजीब सा महसूस हो रहा है जी। एक बार दिखाइएगा जी, ये दिखाया चांद भी आपने। हाँ जी, ये दिखाया। ये है जी जो भांदा गया था। ओके, ये एक चुकू का कोई बोला है आप में से? मट्टी है ये मच्छी देखो, मिट्टी का ये आया वो है। देखा ना कहीं पीछे, इधर सारी मट्टी पड़ी है। ये देखें जी, ज़्यादा नहीं बच गया जाने जी। वो ऐसे लगता है ना, वो टूट गया ना, तो इधर थोड़ा सा इधर पाँव पे आके लगाए तो बचत हो गया। आप बच गए। मेरे नहीं लगा। यहीं से आई है। ये जो बल्ब पड़ा है ये तो नहीं, इसकी आवाज तो नहीं थी। ये सामने पड़ा है जी, ऐसे देखा शायद लगा बल्ब है की क्या। आवाज आज सुन। की ये क्या है, बल्ब ही है ना जी। ये चलने की स्मेल नहीं आ रही? मुझे तो नहीं महसूस हो रहा चांद भी, आपको हो रहा जलने की स्मेल आ रही? है, आपको हो रहा है महसूस। बाजू पर लगा बच गई है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये चीज वैसे बाजुओं से टुंडा करना चाहती है। सही है। टुंडा टुंडा लफ्ज नहीं सुना आपने? ये आए टुंडा गुंडा सा ना, टुंडा यानी कि एक बाजू वाला। ये रिकॉर्ड किया चांद भी। हकीकत बात है, कसम वाली बात है। यही यही चीज ये पीछे पीछे सेम जगह पर दोनों अटैक हुए हैं, इधर भी और यार इधर वो भी। क्या नाम ये था देखे ये ये देख, ये देखें कसम। चीज आसपास है जी हमारे इस वक्त। अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा हाथ उधर पीछे हाथ पे आगे लगी है जी, वरना इसने चीज़ और देखें आपके। यार जो भी लग रहा है ना, काफी कह लें कि उसका वजन वजन इतना वजन होता है नहीं जी, है अच्छा जितना खासा चोट लग रही है। जी। वो यार ये कोई चीज है आसपास। चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, चीज है। ये
ये आपको इसने ये तो करना था, मुझे एक्सपायर करने लगी थी अभी वाली के हाथ में राग मैंने आगे कर लिया, अदरवाइज बहुत ही गलत जगह पे लगना था। इधर से हमने इधर रखे ये यार, इधर करना चाह रहे ये ऐसे हुए, ये तो अभी इतना वो हो रहा है ना, इससे पहले मेरी तरफ आया है काफ़ी ऊंचा, दे रहा था इसलिए शायद मुझे ठीक से नज़र नहीं आया, पर आया है। क्या चीज़ ये वाले, ये जो ऊपर कुछ बांधा हुआ है, ये तो अभी ऐसे मूव हो रहा है ना, ये सरका है ना। हाँ पहले मेरी तरफ आया था ये इधर इधर इधर, इधर करना बिल्कुल ऐसे ही हुआ है क्योंकि पहले अंधेरा था इसलिए शायद मुझे ठीक से नज़र नहीं आया। बिल्कुल इसके अंदर भी कोई चीज़ थी, ये नहीं पता जो भी है, क्या ऊपर आया चीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे आपके ऊपर बारिश के कतरे गिरे कि इसके ऊपर से कुछ आया है, इसके अंदर से कुछ आया है फिलहाल नहीं है, आपके ऊपर आए कुछ बारिश तो नहीं है अभी फिलहाल हो रही है, बारिश तो बंद हो गई, बारिश तो बंद हो गई है, अजीब सा था। ये देखो ये रिकॉर्ड कर, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। इधर इधर पीछे वाली साइड भी दिखा दे, वायर से भी मतलब आप कहें ना कि वायर से हुआ है, वायर से नहीं हुआ क्योंकि ये मूव हुआ है, इससे हाँ वायर मूव हुई है। जी हाँ अभी हम फंस भाई उस कमरे में, क्या देख उस कमरे के अंदर नहीं गए, ये देख इसका कोई आप नोट करें कि ज़्यादातर जो लोहे की चीज़ें हैं ना जी वो ही ज़्यादा मूव हो रही हैं, छुरी वो भी ये तसला उसके बाद वो जो है मशीन ये अच्छा खासा पूरी है देखो। और ये क्या है यहाँ पीछे पीछे भी देखिए आप एक चीज़ और नोट करें कि जो भी चीज़ हमें लग रही है ना चाहे वो छोटी है पर उसकी जो दर्द है ना वो बहुत हो रही है यार, ये देख जैसे जानबूझ के शरारत नहीं करती जी एक चीज़ को बार बार जो है जी, जब आपने वहाँ पर रखा है जो उसने फिर नीचे गिरा दिया, ऊपर छत दिखाइएगा। इस छत की बात कर रहे थे जी हाँ, ये तो वैसे जैसे हमें शुरू से आवाज आई थी छत के ऊपर से, कहते थे वो ब्लास्ट गोले बजते हैं, ये भी तभी असद भाई हुई है जब वो वाली जो छत थी गिरी है ना जी, दीवार और छत साथ में, तो ये भी उसी वक्त हुआ था। आप खुद नजर लगा लें जी के उस मखलूक में कितनी ताकत होगी, ये देख ली, ये भी वहां से भी यहां से भी
बेचारे बड़े परेशान थे, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने हमें बातें बताई हैं ना जी। हमारा भी क्या जो नाम, क्या था मैं नाम भूल नवाज गया, भाई नवाज भाई। नवाज भाई की एक और बात याद है आपको, जो बता रहे थे कि एक मिनट बिल्कुल यहीं से आवाज आई है, यहीं से। क्या कह रहे थे आप कि उनके जो भाई थे दो जी, जिनको बता रहे थे डेथ हुई है, उनकी भी नॉर्मली डेथ नहीं हुई, बता रहे हादसा की मौत हुई है ऐसी हुई है जी। और वो वाहिद हैं कमाने वाले। शुरू से तो इनको पता ही नहीं चला ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया। जब वो कह रहे निवाज भाई के मेरे साथ जब हुआ ना, उनकी टांग तोड़ी गई, उसके बाद मेरे को पता चला कि फिर से वही वाली चीज़ इधर लग के इधर आके लगी है। इधर मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़, आपकी कुछ चीज़ लग के ना फौरन, जैसे आपको टच हो गया था जाके लगी हो ना। अच्छा वो ये बता रहे थे जी कि कैसे तो भी उनका जो आटा है वो भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल वो चोरी हो जाता है, क्या है निकल जाता है, मतलब कि ख़त्म हुआ, बड़ा ख़त्म हो जाता है, देखते हैं ख़त्म हुआ होता है। वैसे शेर भाई आप एक चीज़ और देखें कि ऐसे लोगों की ना मदद करने का बड़ा दिल करता है, जी क्योंकि हाँ एक वैसे बेचारे गरीब होते हैं कि वो बिल्कुल उनके ऊपर कह लें कि मुश्किल होती हैं गरीबी की, तो बाकी ऊपर से ये उनके साथ कुछ हो सही जाए बात। तो दिल से असद भी मदद करने को दिल करता बिल्कुल है ऐसे लोगों इनकी की शेर में दुआएं लगती हैं, जी ऐसे जो बिल्कुल। गरीब होते हैं ना, तो आगे पता नहीं कहाँ से भी हो गया। जैसे इस बंदे ने हमारी इज्जत की, जैसे खुश हो रहा था खुश हो पहले, रहा हमने था देखा जी। कि उदार थे कि अल्लाह अकबर अल्लाह। उमर भाई बता रहे थे आप, उमर नाम था आई थिंक उनका जी, तो वो प्रोग्राम जो है जी वो हमारा देखते थे, तो उन्होंने फिर नवाज़ भाई को जो है वो बताया, और फिर उनके थ्रू जो है वो हम यहाँ पर आ जाएँ। आवाज़ आ रही है जी आसपास से अजीब सी। चीज गिर रही है, स्लो स्लो क्या चीज़ गिर रही है यहाँ पर? जैसे ड्रॉप गिरते हैं ना, जी हाँ, कोई चीज़ किसी चीज़ से ऐसे निकल के थोड़ी थोड़ी करके गिर रही होती है ना। साइन मांगी शर्मी, देखें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं हमें छूकर। असद भाई को मुझे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? समझ नहीं आया मुझे यार, क्या हुआ? चूल्हे को पकड़ा है उन्होंने, क्या हुआ भाई, क्या हुआ गले पे कुछ हुआ? हाँ एक मिनट, क्या हुआ क्या भाई? यार ये मेरे चैन पहनी हुई है,
और इसके साथ मेरा गला से पीछे से किस चीज़ ने दबाया हो, बकायदा ये चैन अल्लाह खींची गई है। अकबर ये देखें जी, वो जो चेन उन्होंने गले में पहनी हुई है, ये भी कोई लोहे की है, कोई चांदी चांदी की है? चांदी चांदी की है। और आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। से यार मेरी सांस बंद होगी। ये चल क्या पास यार, ये चला हुआ जोड़ गर्दन बच गई है सर भाई। तो शरीर में बच गई है, जैसे ये सांसों वाली जो नहीं है हमारी, ये एरिया ये क्या किसी ने ऐसे पकड़ के पीछे को खींचा आपको? मैं यहाँ पर, आप जब साइन का बोला ना, यहाँ पर खड़ा था मैं, अपने किसी और ख्याल में खड़ा था कि इधर उधर कोई चीज़ मूव होगी, मुझे नहीं पता था। एकदम से यहाँ से मुझे ना जैसे कोई चीज़ खींचती है, खींचा गया, यहाँ से मेरी गर्दन जो है वो दबाई गई, और पीछे से चैन बकायदा मुझे टच हुई आगे जाकर, जैसे ये भी साथ में खींची गई हो। अल्लाह कुछ सेकंड के लिए मेरा सांस वैसे ही बंद हो गया था। इट मीन्स कि यहाँ पर मज़ीद जो है जी वो हम साइन ना ही मांगे तो बेहतर है, अच्छा ठीक है। और साइन मांगने की ज़रूरत भी जो है वो शायद यहाँ पर नहीं है, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हमने सुनी है और हमें बताई गई हैं। ये अगर देखें, उनकी टांग भी तोड़ दी है, जी जैसे कि हाँ वो बताए उनका भाई की जो डेथ जैसे हुई तेरा थी। अल्लाह अकबर, ये पर क्या चीज़ क्या हो गया, खैर कांच क्या हुआ? का टूटा है। बल्ब तो ब्लास्ट नहीं हुआ कोई? नहीं क्या हुआ, पर आवाज आई है ऐसे ही, नहीं जैसे क्या कि हुआ, बल्ब। यही लगा बस। आवाज़ तो आई है अलबत्ता किसी चीज़ के टूटने की, जो कांच टाइप होती है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यार। असल में एक और चीज़ नोट करें सर भी, आप आवाज़ ये शायद हमारे जो ऑडियो पे जो है ये रिकॉर्ड हो जाए। ये स्टिल है मेरी, नहीं बताने ना अभी जी थोड़ी हाँ, सी, मैंने बेरी मांग लिया चांद भी ज़रा दिखाइएगा, बिल्कुल स्टिल है। ऐसे ही है। देखें यही आवाज़ कितनी निशानियाँ ज़ोर होती से हैं। आ रही है हवा की ना। जी हाँ वो अब वो शॉपर नज़र आ रहे हैं वो देखें, हालांकि हवा ना भी चल रही हो ना, ऐसे जो वेरियो वगैरह होते हैं ये जैसे ही देख, मूव ये करते देख, रहते हैं, देख चलान वो भी तो लेकर हिस्सा आए, देख लेकर ऊपर लेकर वाला। लेकर अल्लाह देखो ऊपर, ये अकबर, देख ले, ये अब ये आवाज़ सुन लें, ये इतनी तेज़ हवा चल रही है और बिल्कुल ये स्टिल थी बेरी। देखिए दूसरी यारी बचे है। नजर नहीं आती। अब यार इसको अब क्या करना है दर्द, शरीर में, ये इसको खोले या, क्योंकि साउंड तो हमें काफी सारे मिल चुके हैं। अगर लोकेशन को क्लियर करना है तो ऑब्वियसली इस चीज़ को खोल के उसके बाद फिर जो है जी वो हम मज़ीद डीपली जो है वो देख सकते हैं कि आखिर क्या मामलात हैं, क्या बांधा क्या गया है, ये भी नहीं हो सकता कि हम बोलें कि भाई ये जो भी उस बुजुर्ग ने बांधा है तो इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि वो कहते हैं जब से वो बांध कर गया है उसके बाद ज़्यादा मामलात ज़्यादा जो हैं मामला वो शुरू हो गया। शुरू हो गए। तेरा ये वो तो कितों आ गया? अल्लाहु अकबर, ये क्या चीज़ है, दस्त के ऊपर से ये गिरा। देखा है आपने हाँ पहले कहीं पड़ा हुआ, नहीं यार मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। करे लगा नहीं है। तो
ये आया जान भी कहाँ से है? आपका कैमरा फौरन घूमा है, समझ नहीं आई। यहाँ पे गिरता हुआ मैंने देखा है, तो ये भी नहीं पता ऊपर से गिरा है कहाँ से आया, कोई समझ नहीं है। ये इतना शुक्र ये सर पे नहीं लगा। ये देखिए हवा भी चल रही है, हवा के साथ जो है ना जी, एक और कोई चीज़ ऐसे कोई मखलूक जो है जी वो ये। मैं ये नहीं कहता कि कोई मखलूक होगी, पर कोई परिंदा टाइप थी तरह की गई है। अब करें इसे क्लियर चाहिए जी। बारिश वगैरह भी दोबारा शुरू होगी ना। ये देखें ये आपको क्या लगता है कि इससे कुछ है या कुछ हुआ होगा फ़ायदा? मुझे तो असद भाई अगर फ़ायदा होता तो ये एक्टिविटीज़ ना होती, ठीक है, या तो होता ना कुछ हद तक हो जाए। उनका ये बताना है जी कि अगर आप इस दरख्त का जो है वो फल नहीं खाएंगे, या आप अगर इस दरख्त को छेड़ते नहीं हैं तो ठीक है जी, अदरवाइज़ वो ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगी जैसे अभी हमारे साथ हुआ है। अच्छा ये जो दीवार गिरी है आपने ये भी नोट किया कि ये इसके ऊपर है ये बेली ना? हाँ जी बिल्कुल उसी दीवार के ऊपर टच हो रही है। अच्छा उनका तो ये कहना था जी कि जितने जितने एरिया पे ये इस दरख्त का जो है ना जी ये झुका हुआ है ना जी, जो सबसे पहले उन्होंने शरीफ भाई बात बताई थी कि इसका पहले बेरी का रुख उस साइड को था जी हाँ, और ये दीवार भी उन्होंने बाद में की है घर में की इस साइड पर ना जाए। तो जब से ये दीवार की उसके बाद उनका बताना कि इसका रुख बिल्कुल ही उलट हो गया, उलट हो गया। ये देख नहीं रहा उस साइड पर जा रही है, जितनी ये फैलेगी फिर उतनी उतनी जगह पर जो है जी वो असरात होंगे। कि बस मेरे ख्याल में एक यही बांधा गया, इसके अलावा और तो कोई ऐसा यहाँ पर कुछ भी कुछ नहीं बांधा गया। हो सकता है जी हो, बल्कि डेफिनेटली इस पे जो है जी वो पढ़ाई करके जी फिर उन्होंने बांधा है और एक किस्म का किला गया है जी इस दरख्त को। ऐसे बेर उतार करना देखिए, कोशिश तो हमने की है। अगर हम असल इस चीज़ को उतार देते हैं हाँ जी, और उसके बाद फिर लोकेशन क्लियर करते हैं तो हाँ इस पर उतार दें, क्योंकि जो भी हो चाहे वो जाली क्यों ना हो जो आमिल होते हैं तो पढ़ते तो कुछ भी कुछ ना कुछ होंगे वो, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अगर ही होगा इसका ना। कोई ना कोई फ़ायदा हाँ, होता तो ये चीज़ें तो ना होती है। ये अगर देखें तो यहाँ पर गांठ ये दी गई है। अच्छा इसका कोई बेरी के साथ लिंक तो नहीं? अगर बंदा इससे छुए या इससे बंदा मतलब के तारता है तो शायद इस चीज़ को फ़ायदा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई बेरी के साथ तो कोई नहीं लिंक, ना ये कोई फल है ना ही कोई इसकी कोई टहनी है। ये तो असल भी अगर हम इसको उतारते हैं तो ही पता चलेगा जी कि इसको उतारने से अल्लाह अकबर। ये नीचे से दे सके ये दो कोई चीज देखें तो जरा यहाँ से ये ले लें इससे।
नहीं हो रहा जी, ये पानी ले हूँ मैं, पानी आप से तो आ देगा जी, ये पानी करेंगे। चल रही इधर इधर मेरी से साइड पर ले, चल भाई ठीक है। हाँ ये हमने जो काटा है ना करंट सा, मुझे भी लगा है ज़्यादा शहरी वाइट जोकर जो है वो अटैक किया इस चीज़ ने। अच्छा तो शहरी भाई अब कैसी तबीयत आपकी? भी है यार ज़्यादा तो नहीं लगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा आई है यार चोट, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है अंदरूनी चोट हो यार। वो दीवार थी पीछे, उसके नीचे वो कुछ पत्थर वगैरह भी पड़े हैं, वही शायद वो आके ना जिधर पत्थर आके तो हुआ क्या था वैसे आपको? मैं तो मुझे तो करंट सा लगा है, तो आप क्या हुआ? धागा जो बंधा हुआ है वो उतार दिया या लगा हुआ है? पता नहीं लगा होगा शायद, वो ऐसे ही छोड़ दिया था जो आप गिरे हो ना वो लटका हुआ। अभी उतार रहे हैं आपको तो एकदम से जो है ना, जैसे किसी ने यहाँ शोल्डर से पकड़ के पीछे को धक्का दिया हो सा हुआ। चले मैं फिर क्लियर करें इंशाल्लाह इसे, ये पकड़ने आप चलो जी। सी मेरा ना कान जो है वो बिल्कुल जैसे बंद होते हैं ना ऐसी, यार एक अजीब सी यार मेरी ना कैफियत हो गई है। अभी मेरा ना यार अजीब सी कैफियत हो रही है यार, दिल घबरा रहा है। इधर आ जा, इन्हें क्या हो गया? पता नहीं आवाज नहीं सुनी। चाहे इधर करना या दूसरी साइड से, दूसरी साइड रह गई यार। यार सर भाई पानी में पानी गिराओ थोड़ा सा, सीट है थोड़े चीने के बस अभी उठाओ यार एक मिनट, ये पानी उठा लिया ऊपर उठ।
जो निकली थी ये जान रही है। बारिश भी आने लगी है, अपना शहर भी उठे ऊपर चल जानू। वो आवाज सुनी आपने? आवाज़ यार डबल आई है, दो तीन आवाज़ें शहरी भाई की आवाज़ बिल्कुल ही बदल गई थी। मैं पानी फेंकने के लिए गया तो एकदम से आवाज़ आई, मैंने समझा वैसे ही बुला रहे मुझे। उठाओ यार, एक मिनट वो थोड़ी सांस ले ले। पकड़ पकड़ मैंने फेंक दिया स्टोव पर, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्लियर भी हो ही हो। यार बाहर जाने जा रहा, चले यार।